हेलो बच्चों स्वागत है अपने इसी यूट्यूब चैनल पर बच्चों आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा बारह के विद्यार्थियों के लिए सोशलॉजी यानी समाज सांस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा और दो हज़ार तेईस बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सब क्वेश्चन तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम बहुवैकल्पिक क्वेश्चन और शुरुआत करेंगे पावर इलिट किसकी रचना है पावर एलिट किसकी रचना है बच्चों जो है सी राइट मिल्स की रचना है सही जवाब यहाँ का हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि समाज क्या है मूर्त है कि अमूर्त है कि का व खा दोनों है कि इनमें से कोई नहीं तो बच्चों समाज क्या है समाज जो है अमूर्त है सोशलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है तो सोशलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन और ग्रीक तो दो शब्द दो भाषाओं से मिलकर जो है सोशलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो है जो अति लघु अतलगुतरी है तीन अंकों का रहेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है सी राइट मिल्स कौन थे सी राइट मिल्स जो है कौन थे तो सी राइट्स मिल्स बच्चों एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे कहाँ के निवासी थे अमेरिका के एक समाजशास्त्री थे वह जो है वर्ष उन्नीस से उन्नीस तक कोलंबिया विश्वविद्यालय यानी यू में समाजशास्त्र के क्या थे प्राध्यापक थे उन्होंने समाजशास्त्र के अभिजात अभिजात में स्वता बच्चों उच्च कुल में उच्च कुल में जन्म लेने वाला अभिजात सिद्धांत के लिए जाना जाता है उनकी प्रसिद्ध रचना पावर एलिट है इसमें वर्गीय असंतोष को जो है समाजशास्त्री व्याख्या की गई है अगला क्वेश्चन है इस धार्मिक तथा जातिगत समुदायों के सृजन का श्रेय किसे प्राप्त है धार्मिक तथा जातिगत समुदायों को सृजन सृजन में समाप्त होना है सृजन का श्रेय किसे प्राप्त है तो उत्तर देखेंगे बच्चों देखो धार्मिक तथा जातिगत समुदायों के सृजन का श्रेय औपनिवेशिक ताकतों को प्राप्त है है उपनिवेशवाद ने धर्म और जाति को जो है केंद्रीयता प्रदान करने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहित किया उपनिवेशवाद किसे कहते हैं बच्चों जब एक देश दूसरे देश को गुलाम बना लेता है तो उस काल को उपनिवेश उपनिवेशवाद कहा जाता है जिसे अंग्रेजों ने भारत को जो है गुलाम बनाया था भारत पर जो है शासन कर रहे थे तो उस काल को जब अंग्रेजों का शासन था इंडिया पर तब जो है बच्चों उसे उपनिवेश काल कहता कहा जाता था ठीक है ना चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उन्नीस सौ ग्यारह सौ उन्नीस सौ इक्कीस के बीच भारत में समृद्धि की दर के नकारात्मक रहने का क्या कारण है आइए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे देखो उन्नीस सौ ग्यारह सौ उन्नीस सौ इक्कीस के बीच समृद्धि की दर नकारात्मक यानी ऋणात्मक रूप से जीरो दशमलव जीरो तीन परसेंट रही इसी कारण बच्चों उन्नीस सौ अठारह से उन्नीस सौ उन्नीस के दौरान जो है इन्फ्लूजा महामारी का भीषण तांडव था जिसने लगभग एक दशमलव दो पाँच करोड़ लोगों यानी देश की कुल जनसंख्या का पाँच प्रतिशत अंश को मौत के मुँह में ढकेल दिया था ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के उद्देश्य बताइए राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग उन्नीस सौ में अपनी जनसंख्या नीति को स्पष्ट घोषणा करने वाला संभवतः दुनिया का पहला देश था इसकी जनसंख्या नीति ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के रूप में एक ठोस रूप धारण किया मोटे तौर पर इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं जनसंख्या वृद्धि की दर और स्वरूप को प्रभावित करके सामाजिक दृष्टि से अवचनीय दिशा की ओर ले जाने का प्रयत्न करना प्रारंभिक दिनों में इस कार्यक्रम का जो है सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था जन नियंत्रण के विभिन्न उपायों के माध्यम से जनसंख्या समृद्धि की दर को जो है धीमा करना जन स्वास्थ्य के मान मानक स्तरों में सुधार करना और जनसंख्या तथा स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में आम लोगों की जन जागरूकता बढ़ाना चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे बांधकण का क्या अर्थ है बांधकरण देखो बांधकण का क्या अर्थ है आइए देखते हैं इसका जो है उत्तर देखो बांधकण का अर्थ ऐसी चिकित्सा पद्धतियों से है जिसके द्वारा गर्भाधान और शिशु जन्म को रोका जा सकता है पुरुष पुरुषों के मामले में उपयोग में लाई जाने वाली शल पद्धति को जो है नसबंदी और स्त्रियों के लिए काम में लाई जाने वाली शल पद्धति को नलिका बंदी कहा जाता है ठीक है यही बच्चों बंद करना है दो हजार ग्यारह जनगणना भारत की नगरी और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है दो हज़ार ग्यारह की जनगणना के अनुसार भारत की नगरी और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है देखो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दो हजार ग्यारह जनगणना नगरीय जनसंख्या का तीन सौ सतर दशमलव एक एक मिलियन यानी इकतीस दशमलव छह प्रतिशत और ग्रामीण जनसंख्या का आठ सौ तैंतीस दशमलव जीरो आठ मिली यानी आठस दशमलव आठ चार प्रतिशत है।, है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी देखो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना बच्चों अठारह सौ अट्ठाईस ईस्वी में हुई थी राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में कई वर्षों परीक्षाओं पूछा जा रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी अथवा ब्रह्म समाज संस्थापक कौन थे तभी हमने बताया राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज के स्थापना की थी और वर्ण समाज के जो है संस्थापक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में अस्पृश्यता निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था तो बच्चों उन्नीस ईस्वी में अस्पृशता यानी छुआ छूत जो छुआ छूत होता है वही अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था उन्नीस ईस्वी में देखो सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भारत में अन्य पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्या क्या है अशिक्षा निर्धनता बेरोजगारी इनमें सभी तो बच्चों इनमें से सभी हो जाएगा ठीक है अशिक्षा भी है निधनता भी है बेरोजगारी भी है इनमें सही हो जाएगा भारतीय 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 संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों के लिए प्रतिबंध बंद है तो बच्चों अनुच्छेद तीन अन, सौ पैंतीस अन्यथा सक्षम वर्ग की विषमता एवं बहिष्कार के लिए जिम्मेदार कौन है कौन जिम्मेदार है तो सामाजिक व्यवस्था व दृष्टिकोण यही जिम्मेदार बच्चों सामाजिक व्यवस्था व दृष्टिकोण चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्या क्या है उच्च शिक्षा का अभाव तकनीकी शिक्षा का अभाव लैंगिक असमानता एवं भेदभाव इनमें से सभी ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है आधुनिकीकरण की तीन विशेषताएं बताइए आधुनिकीकरण की जो है तीन विशेषताएं बताइए देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई वर्षों परीक्षाओं पूछा जा रहा है अथवा आधुनिकीकरण की दो विशेषताएं बताइए तो आधुनिकीकरण की तीन विशेषताएं निम्नलिखित है बच्चों नंबर एक इसमें जो है नगरीय में वृद्धि समानता स्वतंत्रता तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है नंबर दो यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास की आत्मा है इससे भिन्न प्रकार के ज्ञान और अनुभव में वृद्धि होती है नंबर तीन इससे आर्थिक तथा राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि होती है धर्मनिरपेक्षी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए देखो लघु तीय प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है धर्मनिरपेक्षी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष यानी हमारा भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष संबंधी बातें कही गई है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष में स्वतः बच्चों किसी एक धर्म को मानता ना देना यानी एक धर्म को बढ़ावा ना देना सभी धर्म को समान दृष्टि से देखना ही धर्मनिरपेक्षण कहलाता है यानी सभी धर्मों को एक समान रूप से देखना भारत में सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है किसी एक धर्म को जो है बढ़ावा नहीं दिया जाता है उसके निगाह में चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो सभी धर्म बच्चों समान होते हैं इसी को क्या कहते हैं धर्मनिरपेक्षीकरण कहते हैं तो आइए इसका जो है हम लोग उत्तर देखेंगे देखो धर्मनिरपेक्षीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज व संस्कृति के प्रखंडों को धार्मिक और तकनीक प्रतीकों के प्रभाव से दूर रखा जाता है धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं नंबर एक यह जो है इलौकिकता में लोगों का विश्वास बढ़ाता है तथा तो उनकी अलौकिक भावनाओं में कमी करता है यह लोगों में प्राकृतिक सत्ता के प्रति आस्था को कम करता है यह तर्कवाद चिंतन स्वतंत्रता एवं नए विचारों को बल प्रदान करता है धर्मविवेक्षीकरण की प्रक्रिया धर्म के सिद्धांतों में परिवर्तन किया है इसके कारण इसके कारण लोग अपनी आवश्यकताओं भी की पूर्ति के अनुरूप विभिन्न परिस्थितियों को स्वीकारने लगे हैं धर्मपेक्षीकरण की प्रक्रिया के कारण लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है ठीक है धर्मपेक्षीकरण की प्रक्रिया समाज को परंपरागत और रूढ़िवादी विचारधारा का खंडन करती है धर्मविवेक्षीकरण की प्रक्रिया के कारण समाज में अंधविश्वास में कमी आई है तथा विवेकशीलता का प्रोत्साहन मिला है धन पेशीकरण प्रक्रिया समाज में सर्वोथितकाई राज की विचारधारा को जन्म देती है धन का प्रक्रिया समाज में नैतिक मूल्यों सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक पदृत्तियों के विकास के साथ साथ अनुशासन एवं कर्तव्यों को जो है बढ़ावा देती है ठीक है बच्चों तो ये थे जो है समाजशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन